हमको ये लगा कि भाई किसानों के कुछ मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर उनके मन में शंका है, तो चूंकि इतने दिन चर्चा हो चुकी है और कुल मिला के वो आखिरी में एक ही बात पर आते हैं कि एक्ट को रिपील कर दो, हम लोगों का लगातार ये आग्रह रहा कि एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे किसान को नुकसान है, तकलीफ़ है, उनको प्रावधान वारम चर्चा कर लें और चर्चा करने के बाद उनको कैसे ठीक किया जा सकता है इस पर हम आगे बढ़ें। लेकिन मुद्दे यूनियंस की तरफ से नहीं आए तो फिर हम ही लोगों ने मुद्दे उनको चिन्हित करके बताए और उस पर यह हुआ कि भाई हाँ, ये मुद्दे तो चर्चा में हैं, तो उन मुद्दों का सिलसिलेवार हम अपना प्रस्ताव बनाकर उनको भेज दें, ये विचार हुआ। और आपने देखा कि हम लोगों ने उनको मुद्दों के प्रस्ताव बनाकर भेजे। विशेष रूप से उनकी मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना, तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है, सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। फिर दूसरा, कुछ लोगों का बातचीत में बात आती थी कि ये कानून वैध नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बता रखा था कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने उनको बैठक में भी संतुष्ट करने की कोशिश की और हमने कहा कि केंद्र सरकार को ट्रेड के लिए कानून बनाने का अधिकार है और हमने ट्रेड से संबंधित ही अपने कानून को सीमित रखा है और APMC इस कानून से कहीं भी प्रभावित नहीं होती, MSP भी कहीं भी प्रभावित नहीं होती। और ये सब उनको बताने की कोशिश की और फिर उनको हमने ये लिखकर भेजा कि केंद्र सरकार को किन किन कानूनों के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार है। इसी प्रकार से बातचीत में ध्यान में आता था कि उनको ऐसा लगता है कि ये नया जो ट्रेड एक्ट आया है, इस एक्ट में उनकी जो APMC है वो प्रभावित होगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बाहर टैक्स नहीं होगा और APMC के भीतर टैक्स है तो धीरे धीरे ये मंडियां दिक्कत में फंस जाएंगी। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि वैसे तो कुल मिला के जो टैक्स किस लगता है जब किसी भी ट्रेड पर, तो व्यापारी टैक्स की वसूली किसान से ही करता है, अगर टैक्स नहीं लगेगा इसका फ़ायदा अंततोगत्व किसान को होगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी आपत्ति है तो हम लोग इस पर विचार करने को तैयार हैं और इस आशंका पर हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी लागू कर सकेगी और साथ ही ऐसी मंडियों पर राज्य सरकार जो मंडी के भीतर का टैक्स है उसके हिसाब से ही वो बाहर की प्राइवेट मंडी पर भी टैक्स लगा सकेगी। तो उनकी इस आशंका को भी निर्मूल करने की हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में कोशिश की है। हमारे एक्ट में ये प्रावधान था कि पैन कार्ड से ही खरीद हो सकेगी। सरकार उस मामले में ये सोचती थी कि व्यापारी भी और किसान भी इंस्पेक्टर राज और लाइसेंसी राज से बच सकेंगे और थोड़ा खुला प्रावधान करना चाहिए जिससे हर चीज़ थोड़ी सी आसान हो जाए। लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि पैन कार्ड तो किसी पर भी होगा और कोई भी खरीद के भाग जाएगा तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या कर पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर आपको ये आशंका है तो इसको भी हम विचार करने के लिए तैयार हैं। तो इस आशंका को दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव उन्हें दिया कि इस शंका के समाधान हेतु राज्य सरकारें इस प्रकार के पंजीयन के लिए नियम बनाने की शक्ति उनको प्रदान की जाएगी और जिससे कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्य सरकार नियम बना सके। यद्यपि इस प्रकार का नियम बने और इस प्रकार की व्यवस्था हो, ये प्रावधान हमारे एक्ट में था
जब ये व्यवस्था जो हमने बनाई थी अगर इस पर शंकाएं कुशंकाएं उठने लगती तो केंद्र सरकार को कानून में ये अधिकार था कि इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए वो निर्देश दे सकें, लेकिन फिर भी हमने इस समस्या को भी उनके एड्रेस करने की कोशिश की। दूसरा उनका मुद्दा था कि आपने विवाद निपटाने के लिए एसडीएम को अधिकृत किया है कानून में और अपील सिर्फ कलेक्टर के पास होगी। हमको ये लगता था कि गांव में किसान के सबसे नज़दीक अगर मजिस्ट्रेटल पावर वाला कोई भी अधिकारी है तो वो एसडीएम ही है, बाकी जितनी भी ऐसी संरचनाएं सरकार की हो सकती हैं जहां विवाद का निराकरण किया जा सकता है वह सब किसान से कुछ ना कुछ ज़्यादा दूरी पर होती हैं। और जुडिशियली के क्षेत्र में हमें लगता था कि छोटा किसान है, छोटा व्यापार होगा, छोटा एग्रीमेंट होगा तो वो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में फिर वकील भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तमाम कागज पत्र लगाने पड़ेंगे और न्यायालय को तो कहा नहीं जा सकता कि आप इतने दिन में निर्णय दो और समय लगेगा, न्यायालय पर काम का बोझ भी ज़्यादा है। इसलिए हमें लगता था कि एसडीएम को हम निर्देश कानून में बांध सकते हैं, इसलिए एसडीएम का विषय रखा था। लेकिन उन लोगों को लगता था कि न्यायालय में जाने की सुविधा होनी चाहिए, तो हम लोगों ने इस शंका के समाधान के लिए भी हमने यह प्रस्ताव में दिया कि भाई न्यायालय में जिस किसान को जाना हो तो ये विकल्प भी हम दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर कृषक का मूल्य आश्वासन एक्ट के अंतर्गत कृषक और प्रोसेसर के बीच में जो एग्रीमेंट होगा तो उनको लगता था कि ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो हम लोगों को इस पर भी कोई आपत्ति नहीं थी और हमने उनको कहा कि भाई राज्य सरकारों को ये अधिकार देते हैं और जब तक राज्य सरकार रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था नहीं बना पाती है तब तक कोई एग्रीमेंट होगा तो लिखित में उसकी प्रतिलिपि हस्ताक्षर होने के 30 दिन के भीतर एसडीएम कार्यालय में जमा करना पड़ेगी जिससे वो दस्तावेज सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहे। फिर वो एक बात ये भी आती है बड़ा ज़ोर शोर से और मीडिया के सामने भी कहा जाता है कई बार कि किसानों की भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काफ़ी लंबे समय से गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में, अनेक कर्नाटक में, अनेक राज्यों में चल रही है, अभी तक कभी ऐसा अनुभव आया नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने इसका प्रबंध पहले से एक्ट में कर रखा था, कानून में ये प्रावधान किया गया है कि इस कानून के अंतर्गत जो एग्रीमेंट होगा वो प्रोसेसर और किसान की फसल के बीच में ही होगा, किसान की भूमि से संबंधित कोई लीज पट्टा करार ऐसा कुछ भी इसमें हो नहीं सकता। दूसरा, हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर दोनों लोग करार करते हैं और फसल का प्रकार ऐसा है कि किसी भी प्रकार की अधोसंरचना खेत पर खड़ी करने की नौबत आती है तो ऐसी स्थिति में जब करार समाप्त होगा तो जो प्रोसेसर है अपनी संरचना को वहाँ से उठा के ले जाएगा और अगर वो तोड़ के नहीं ले जाता है तो उसका स्वामी जो है वो कृषक ही होगा, ये प्रावधान हमने पहले से कर रखा है। लेकिन इसके बाद भी उनके मन में ये शंका थी कि अगर किसी प्रोसेसर ने उस अधोसंरचना पर कोई लोन ले रखा होगा तो वो निकल जाएगा और वो लोन किसान के ऊपर आएगा तो ऐसी स्थिति में किसान को वो लोन पटाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहा कि ये हम प्रावधान करने को तैयार हैं कि अगर स्पॉन्सर किसी प्रकार का लोन लेने की चेष्टा उस अधोसंरचना पर नहीं करेगा तो इससे उनकी इस शंका का भी समाधान हो सकता है। दूसरा, वो किसान की भूमि पर कुर्की की व्यवस्था की बात वो लोग बोलते थे कि कुर्क हो जाएगी और नीलाम कर दी जाएगी, तो पहले से ही प्रावधान है इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि अगर कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो वो स्पष्टीकरण का वो भी हम स्पष्टीकरण देंगे। दूसरा, सामान्य तौर पर एमएसपी की खरीद के मामले में उन सबके मन में ये बात आती थी कि भाई एमएसपी पर खरीद बंद हो जाएगी और होगी नहीं, इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा,
तो आप सबके ध्यान में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला, मैंने भी दोनों हाउस में इस बात को बोला और सबको आश्वस्त किया कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। एमएसपी की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डेढ़ गुना किया गया है, खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और एमएसपी से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें। इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। और एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं। फिर एक बिजली वाला विषय था, उनको ऐसा लगता है कि बिजली का कोई एक्ट आ रहा है वो किसानों के लिए थोड़ा तकलीफ पैदा करेगा, तो इस मामले में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्टता से उन्हें कहा कि राज्य सरकारें बिजली वितरण कंपनियों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही सब्सिडी की राशि हस्तांतरित करने की व्यवस्था संशोधन विधेयक में भी रहेगी। इस प्रकार से वर्तमान व्यवस्था में किसानों के संबंध में जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एनसीआर ऑर्डिनेंस में ये अभी जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें पराली वाले किसानों के लिए भी प्रावधान है, तो हम लोगों ने यह कहा कि भाई हम इससे सहमत हैं और निश्चित रूप से इसका समाधान हम करेंगे। और इस दृष्टि से हम लोगों ने एक पूरा प्रपोजल बनाकर उनको कल दिया, उन लोगों ने विचार विमर्श भी किया और फिर भी कुल मिला के उनके सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भी आखिरी में वो लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी निश्चित रूप से मेरे मन में भी काफ़ी कष्ट है, क्योंकि किसानों का विषय है और किसान ठंड में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोविड का संकट भी है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के मन में भी रात दिन चिंता रहती है। और इसलिए हम लोगों की लगातार पहले भी कोशिश रही है और अभी भी मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। इसलिए नए कानून बनाए गए हैं कि इन कानूनों के माध्यम से वह महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेगा, निजी निवेश उसके पास पहुंच सकेगा, अच्छे एग्रीमेंट करके अपने उत्पादन के वाजिब दाम प्राप्त कर सकेगा, वैश्विक मानकों के आधार पर खेती कर सकेगा जिससे कि उसके उत्पादन का एक्सपोर्ट भी हो सके। ये रास्ते इन कानूनों के माध्यम से खुलते हैं। सरकार ने नए 10,000 FPO बनाने का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है और इन 10,000 FPO पर 5 साल तक केंद्र सरकार अपने बजट से ही 6,850 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। ये FPO से एक नई क्रांति खेती के क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में शुरू होने वाली है। यह भी मोदी जी की किसान, कृषि और कृषक के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको जाहिर करती है। अभी कोविड के दौरान भी आप सबने देखा कि दुनिया में सब चीज़ें बंद हो गईं, लेकिन भारत में मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण खेती और किसानी के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो निर्णय किए गए उसी का परिणाम था कि किसान ने अपनी फसल की कटाई पूरी की, किसान ने अपनी फसल को सरकारी समर्थन मूल्य पर पूरी तरह से बेचा, पहले से अधिक पैदावार हुई, पहले से अधिक खरीद हुई, ग्रीष्म ऋतु की बुआई गत वर्ष की तुलना में अधिक हुई, खरीफ की बुआई गत वर्ष की तुलना में अधिक हुई और
किसान को उस बीच में भी पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे डीबीटी के माध्यम से पहुंचते रहे और आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत कृषि और संबंधित क्षेत्र में सुधार आए और निजी निवेश गांव तक पहुंचे और वो निजी निवेश के अंतर्गत जो संरचनाएं निर्माण हों वो मूल रूप से किसान के काम आए। अभी संरचनाएं जो बनी हुई हैं वो व्यापारी के काम तो आती हैं लेकिन किसान के काम नहीं आती क्योंकि वो बड़े स्थान पर बनी हुई हैं। अगर संरचना खेत के पास होगी, गांव के पास होगी, तो किसान उन संरचनाओं का उपयोग कर सकेगा, चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे वो अन्य प्रकार की संरचनाएँ हों। तो 1,00,000 करोड़ रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसे घोषित किया, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपये का फंड, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड, छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिटी के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड, 4,000 करोड़ रुपया हर्बल पार्क के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया। तो लगातार मोदी जी के नेतृत्व में इस बात की कोशिश की जा रही है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो गांव को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा और कृषि को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। कृषि और कृषक की निर्भरता किसी पर होगी तो गांव की निर्भरता भी किसी और पर होगी, और जब तक कृषि और गांव दोनों आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए लगातार आपने देखा होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के थर्ड फेज का मामला हो, चाहे मनरेगा में राशि बढ़ाने का मामला हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के अभियान का मामला हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार के निवेश का मामला हो, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस बात की कोशिश की गई है कि गांव और कृषि यह आत्मनिर्भर बने, समृद्ध बने और देश के नवनिर्माण में इसका योगदान अधिकतम हो सके। इसलिए ये सब चीज़ें सिलसिलेवार एक दूसरे से कनेक्ट हैं और इसलिए कानूनों के माध्यम से भी हमने द्वार खोलने की कोशिश की है। लेकिन इस पर कुछ किसानों की जो भ्रांति थी उस भ्रांति को भी दूर करने के लिए हमने प्रस्ताव यूनियंस को भेजा है। मैं आपके माध्यम से पुनः यूनियंस को आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। मुझे तो प्रमुख रूप से इतना ही कहना था। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।